अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम इनके नेम चेंज करेंगे। करेक्टर के लॉबी वीडियो है तो अपने नेम लगाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा एडिट करने के, नेम चेंज करने के बाद। तो एंड पे तो मैंने अपनी वीडियो जो है वो भी एडिट करके लगाई हुई है, वो लास्ट में देख के जाना। तो इस वीडियो में पूरा आपको इतना आसान मुश्किल नहीं है, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने करेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो आपके दोनों करेक्टर जो हैं, या दो जो दो होने चाहिए, हम टीममेट होगा तो आप उसको जंप ये ऐसा ही मोड करेंगे जो ऊपर हो आपके नेम से, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ये एक एप्लीकेशन है, बैकग्राउंड रेजर या रिमूवर, इस तरह का कुछ नेम होगा जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये ले लेनी है। इसके बाद आपने इसको जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो उसको सारा उसका नेम सिर्फ रख लेना, बाकी बाकी सारा कुछ उसका रेज कर देना, तो आपका नेम जो है PNG बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ऐड किया, ऐड करने के बाद तो इसको सारा कुछ रिमूव कर देना, तो सिर्फ एक नेम, ये नेम जो है ना इतनी पूरा इसका जो वो टाइटल है ना, तो ये रह जाएगा, बाकी सारा कुछ रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये हमारा नेम PNG बन चुका है। उसके बाद दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, दूसरे वाला ऐड करेंगे, वही स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे ना जो पहले लिया हुए, तो उसके बाद फिर वैसा ही वो दूसरा नेम रख लेंगे, बाकी सारा कुछ रेस कर देंगे, तो वो दूसरे वाला भी PNG बन जाएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह ही सारा कुछ रिमूव कर देंगे, बस अपना नेम रख लेंगे, ठीक है, ये भी PNG बन जाएगा। PNG बन चुका है। और इसके बाद कैप कट में जाएंगे, और ये सेफ हो गया। इसके बाद कैप कट में जाएंगे और वो वीडियो ऐड करेंगे जिस पे आपने अपना नेम लगाना है, ठीक है, इसका नेम चेंज करना है, वो वीडियो ऐड करेंगे यहाँ पे। ऐड करने के बाद उसके बाद नीचे आपने लेआउट पे जाना है, ओवरले लेआउट पे क्लिक करोगे, वो आपने जो इमेज है जो PNG बनी है अपने नेम की, वो आपने रख लेनी है, ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कुछ वीडियो ऐसे भी होंगी जो हल्के सी आगे पीछे हो जाता है नेम, तो आपने पहले उसको स्प्लिट करके, अगर जहाँ से आगे पीछे हो आपने उसको कट कर लेना है। एक बार वीडियो एडिट हो जाए उसके बाद आपने फिर दूसरी बार देखना है कि वीडियो में नेम कहीं आगे पीछे तो नहीं है, थोड़ा सा अगर वहाँ से कहीं नेम आगे पीछे है तो वो वाला हिसाब वहाँ से कट कर दें। और इफेक्ट आपने पहली बार एडिट की है वीडियो, और जो इफेक्ट लगाने हैं वो आपने दूसरी बार सॉन्ग और इफेक्ट लगाना है। पहली बार आपने अपना नेम चेंज करना है, दूसरी बार आपने जब ऐड करनी है वीडियो उसके बाद आपने उसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, फिर अपना सॉन्ग लगा सकते हैं। पहली बार आप जब उसमें इफेक्ट लगाएंगे तो आपके नेम ऊपर नीचे ख़राब हो जाएगा सारा। पहली बार नेम लगाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आपने दूसरी बार फिर लेना है, उसके बाद आपने अपना सॉन्ग और इफेक्ट जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट जो है कलर कलर ग्रेडिंग की, वो भी मैंने सारा कुछ किया हुआ है, तो बड़ी वीडियो में ग्लो आता है इससे।
वीडियो बन चुकी है यहाँ पे, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको प्ले करके दिखाता हूँ, और एंड पे मेरी एक और वीडियो जो मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी, ठीक है। तो एंड पे इसके बाद वो लास्ट में देखते जाना। Let's go.